आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन जिले के बड़वाहा से, जहां ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खुलने से 10,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ने से बड़वाहा में नर्मदा उफान पर है, जिस कारण नर्मदा नदी खतरे के नजदीक है। हालांकि अभी मोटका पुल के नीचे नर्मदा नदी का पानी है। आपको बता दें, खरगोन जिले के बड़वाहा के नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा घाट पर जलस्तर काफी बढ़ गया। नर्मदा के उफान पर आने से नर्मदा घाट स्थित साई मंदिर आधा डूब गया। नर्मदा में बढ़ते जलस्तर को लेकर एसडीएम प्रताप सिंह अगासिया, थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने सुरक्षा के मद्देनजर नर्मदा घाट पहुंचकर जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय गोताखोर एवं एसडीईआरएफ की टीम को नर्मदा तट पर बुधवार से ही तैनात कर रखा है। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर बड़वाहा के पास स्थित नर्मदा पुल से जलस्तर 162 मीटर पर है। पुल के खतरे के निशान 163.500 मीटर से 1.5 मीटर नीचे बह रही नर्मदा। नर्मदा का जलस्तर 163.500 मीटर होने पर पुल का आवागमन बंद होता है, लेकिन अगर बांध से पानी और ज्यादा अधिक छोड़ा जाता है तो आवागमन बंद कर दिया जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा, जिसके बाद मध्यप्रदेश में भारी बारिश का दौर कुछ कम होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 से 15 अगस्त तक मध्यप्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान की तरफ से बन रहे मौसमी हालातों की वजह से मध्यप्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। अभी वर्तमान में 162 के कुछ लगभग है मोटर का पे, तो इसकी वजह से जो हमने यहाँ एहतियात के तौर पे एसडीआरएफ की टीम भी लगाई है, हमारे 30 जवान लगे हैं और रेवेन्यू की टीम भी लगी है और स्थानीय निकाय के कर्मचारी भी लगाए गए हैं एहतियात के तौर पे, उन सुरक्षा को देखते हुए। तो वर्तमान में इसी कोई स्थिति है नहीं, पानी निर्बाध रूप से जा रहा है, पानी कब छोड़ा नहीं पा रहा है। अभी ऐसी स्थिति घर खाली कराने की नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो किनारे के घर हैं उनको हमने सुरक्षित कर दिया है, तो वहाँ पर तैयारी है हमारी। आवागमन को लेके भी हमने एनएस से अनुमति लिया है, तो फिलहाल 15 से 16 फीट नीचे पानी है, तो जैसा भी एनएस का अनुमति आएगा उसके हिसाब से।